हाय फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर पे आधारित रहेगा। ओजोन लेयर क्या है और हम जैसे हम सुनते हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ओजोन होल, ये सब हम सुनते हैं। तो ये ओजोन क्या है बेसिकली और ये लेयर कहाँ पे है एटमॉस्फेयर में, तो इसके बारे में हम आज ये टॉपिक इसी पे एक हमारा गोल है कि इसको हम समझें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज ओजोन लेयर और ओजोन, हम सीधे ओजोन। देखिए, अगर ओजोन की बात करें, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है, इसके हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फाइनली हमारा एक एटमॉस्फेयर, एक अलग सा एक सेक्शन आता है। देयर इज़ अ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिथोस्फीयर, जिसमें हमारा जियोलॉजी अर्थ आता है। देन वी हैव ओशियंस, जिसको हम वाटर के बेसिस पे लेते हैं। देन वी हैव वन मोर दैट इज एटमॉस्फेयर। सो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर कम्बाइनिंग अ बिग पॉट कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ये जो हमारा टॉपिक है, दिस इज मोस्टली रिलेटेड विद एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम जानते हैं, अगर हम अर्थ को ले लें, सपोज दिस इज अर्थ ग्लोब, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो इसका जो अर्थ सरफेस से लेके ऊपर जहाँ तक बहुत सारे किलोमीटर्स तक ये एयर है, या इसमें कुछ गैसेस पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो दिस इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे हम इसमें देखते हैं कि काफ़ी इसमें चेंजेस होते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें या थर्मोस्टेट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो हमारा जो आज का कंसर्न है, वी आर कंसर्निंग ओनली टू लेयर्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अर्थ इन कॉन्टेक्स्ट टू द ओजोन लेयर, अप टू 10 टू 16 किलोमीटर्स हमारा, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। अब मैंने 10 to 16 ये क्या लिखा है, बेसिकली अगर हम अर्थ को देखें तो देर आर पोल्स एंड देर इज इक्वेटर। सपोज दिस जियोड फॉर ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वेटर एंड दीज आर पोल्स। सो दीज आर लैटिट्यूड्स, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, या हम सीधे बात करें, दीज आर पोल्स, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर पे हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, यहाँ पे ओजोन लेयर या ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है, दिस इज एक्चुअली यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर का पोर्शन ज़्यादा होता है इक्वेटर पे। दैट मीन्स इट इज 16 किलोमीटर्स लगभग, और अगर पोल की बात करें वहाँ पे है 10। इसी तरह हम अगर इस दूसरे पार्ट का हम देखते हैं, so with troposphere it varies, its thickness varies from equator and to poles, it decreases. तो poles पे कम रहता है, एक इस equator पे ज़्यादा इसका thickness रहता है। then we have starting from this 10 to 16 up to 50 kilometers, this is what is exactly our concern and this is called स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। यही स्ट्रेटोस्फीयर वो स्फीयर है जहाँ पे ओजोन पाया जाता है। सो वी हैव ओजोन हियर। अब कहाँ पे है, मैं इसका जो अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 या 16 किलोमीटर्स, सो फ्रॉम 16 किलोमीटर्स अप टू 35, ये सबसे ज़्यादा हमें मिलता है इसका कंसंट्रेशन।
इस पोर्शन को हम ओजोनोस्फीयर भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर बिकॉज द मच ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट हियर एंड इट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैसेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटमोसफेयर प्रेजेंट हियर. सो तो अप टू 10 35 और अगर हम 25 किलोमीटर की बात करें, दिस इज द मैक्सिमम वाई यू कैन फाइंड द इफ दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज किलोमीटर ऑन एक्स वाई एक्सिस, देन विल फाइंड दैट मैक्सिमम वी आर रीचिंग एट दिस इज 15 किलोमीटर 35 किलोमीटर, दिस इज 25 किलोमीटर. सो मैक्सिमम ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट एट 25 किलोमीटर्स. दिस इज वॉट इज एग्जैक्टली एटमोस्फेरिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे बहुत सारे गैसेस होते हैं. अगर हम गैसेस की बात करें तो अगर हम ये तो थर्मास्टिक की बात ही या लेयर्स की बात हो गई, अगर हम गैसेस की बात करें सीधे अर्थ से लेके अप 80 किलोमीटर्स, दिस इज होमोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं. अगर हम यहाँ इस जो ये मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर, देन वी हैव आयनोस्फीयर वगैरह वगैरह, इसमें पाए जाते हैं. सो नंबर ऑफ गैसेस वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ गैसेस फाउंड हियर एंड यू कैन फाइंड इन एटमोसफेयर. अगर एटमोसफेयर में देखें, एटमोसफेयर में वी हैव नाइट्रोजन अराउंड 78%, देन वी हैव O2 ऑक्सीजन दिस 21%, देन वी हैव आर्गन, न्यून, हीलियम, सो मेनी इनर्ट गैसेस एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह. तो बहुत सारे इसमें हमें देखने को सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन. दिस इज गैसेस कंपोजिशन. यहाँ पे मैं ओजोन में जाने से पहले हम एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं. ये जो मैंने दोनों सेक्शन बताए हैं, फर्स्ट इट वॉज ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर मीन्स जो अर्थ सरफेस को टच करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फीयर. यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ट्रोपोस्फीयर में क्या देखा गया है कि फॉर एवरी 1 किलोमीटर देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. कैसे होता है, हर एक किलोमीटर पे, प्रति किलोमीटर पे देर इज अ चेंज ऑफ 6 डिग्री माइनस, मीन्स पर किलोमीटर, मीन्स ट्रोपोस्फीयर में जब हम एक एक किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वी आर गोइंग -6 डिग्री कूल. हम हर किलोमीटर में -6 डिग्री हो जाते हैं. दैट मीन्स देर इज़ अ रिवर्सल ऑफ थर्मासिटी. अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, यहाँ पे जो गर्मी है वो कम होती जा रही है विद -6 पर किलोमीटर. दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट ऑफ, ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है ट्रोपोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की, दिस कॉल्ड लैप्स रेट एंड सच अ फिनोमेनन यूनिवर्सल ऑफ टेम्परेचर. इसके बाद अगर हम देखें, अगर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, फिर ये वापस +6 +6 में आ जाता है. तो इट्स इनवर्स ऑफ दिस वन. चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ओजोन लेयर पे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये अर्थ की सरफेस हम यहाँ पे बनाते हैं, देन वील फाउंड दैट अप टू दिस 10 और 16 या 15 तक हम क्या कहते हैं, दिस इज ट्रोपोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में इट इज अप टू 50 किलोमीटर्स, 0 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 तक. दिस इज ट्रोपोस्फीयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर. जैसे मैंने बताया 25 किलोमीटर्स पर मैक्सिमम पाया जाता है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 अप टू 35, इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है. देर इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या है, बहुत ही पतला सा लेयर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है. तो क्या होता है बेसिकली, जो रिएक्शन है वो क्या है, द रिएक्शन इज O2 मॉलिक्यूल प्लस UV या अंडर सन रेज. इसमें क्या होता है, टूट जाता है
So basically, these are two O2 molecules plus UV. We'll be getting O3 plus O. So balance of oxygen same, 2 to 4, 2, 3, 1 is 4. Balanced reaction. So yahan pe kya hua? Ek oxygen molecule mein se ek oxygen nikla, wo dusre ke sath mila. Meaning agar yahan pe this were oxygen, this were another oxygen, ye toot gaya, isne iske sath bond bana diya. To hume ek to ye O mila yahan pe, then we also got this O3. That is O, O and O, like this. This is called ozone. Ozone or O3. Fine. ये जो ozone हमारा है, हमारे पास जो ozone item आया है, ये बहुत सारा बनता है इस stratosphere में, because of particular temperature and atmospheric conditions, ये बन जाता है O3 layer. अब O3 layer जब बहुत सारा बन गया है, it makes, अगर earth है, there is layer of ozone here. It's like this. ठीक है, ozone layer is like this. अब ये ozone layer कितना मोटा है? ये vary करता है. मैं आपको बता दूँ कि ozone का जो thickness है, that is measured in Dobson units. Can you remember Dobson unit? So it is measured in Dobson unit or DU. DU kitna hota hai? It's exactly 1000th of centimeter. Okay, we can write 10 minus 3. 1000th of 1 centimeter is 1 Dobson. So meaning kitna hai? It is 0.3 millimeter. Bohut hi kam, bohut hi short. To ye iske hum ye Dobson, agar hum ozone layer ki baat kare, main bata dun, jaise maine kaha tha, poles ki aur equator ki, equator pe kam hota hai aur poles pe zyada hota hai. Theek hai, I repeat this sentence. Equator pe it is less in concentration as compared to poles. So kitna hai? काफी सारा इसमें change है. So it's like 360 du, and then we have 260. So around this इतना सारा इसमें फर्क है between this and this, और this can reach it is 300. But overall इसका जो 50 या 60 का जो इसमें change होता है, that is in equator and this poles. तो यहाँ पे एक important बात करें ozone layer की, it's more on poles. इसका जो concentration है more on poles, less on equator. ठीक है, it is more in winters, less in springs. इसका मीनिंग क्या निकलता है? ये है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है कहीं जगह पे, उतना ओजोन लेयर में इसमें कमी हो जाती है. आल्सो सो लैटिट्यूड, देयर इज अ लैटिट्यूडनल डिफरेंस, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, देयर इज अल्टीट्यूडनल डिफरेंस एंड देयर इज अ सीजनल डिफरेंस. इसी तरह हम अगर देखें जो वेरिएशन है, द वेरिएशन ऑफ ओजोन लेयर कंसंट्रेशन, इट इज मोर इन इक्वेटर ऑन पोल्स. सो वेरिएशन मीनिंग क्या है इसका? Variation of O3 layer is more on poles. यानी poles के side में, या जो हम higher latitudes में जाते हैं, इसका variation काफी होता रहता है, कम होता रहता है, फिर इसमें concentration बढ़ोतरी होती है, लेकिन equator है उसमें more or less it remains constant. तो हमने देखा there is a latitudinal difference, there is a longitudinal difference भी होता है इसमें, eastern western hemisphere में, there is a altitudinal difference height के साथ, and there is a seasonal difference. Also एक और बात है, यहाँ पे equator में, या हम equator की जब बात करें,
equator पे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डायर्नल ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर में भी बनता है ओजोन बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन इन डे टाइम इन इक्वेटर्स. तो अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है क्या ये ठीक है? नो, इट इज अ पोल्यूटेंट. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स, अ बिग कंसर्न इन स्ट्रेटोस्फेयर, इन ट्रोपोस्फेयर. दैट मीन्स ट्रोपोस्फेयर में ओजोन इज हार्मफुल बट इन स्ट्रेटोस्फेयर इट इज बेनिफिशियल. ओके, नाउ ओजोन की हम जब बात हुई तो ये थिकनेस इसमें काफ़ी कम है, जैसे आपने देखा है एक लेयर है बहुत ही पतली मिलीमीटर इसमें. तो ये हमें क्या करता है, इसमें से क्या फ़ायदा मिलता है ओजोन से? इट बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन यूवी रेज. हाउ? जब हम सन की जो शॉर्टर वेव लेंथ कि जो वेव्स आते हैं, यहाँ आप देखिए जो वेव होते हैं अगर उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स लामड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनमें फिर वेवलेंथ ज़्यादा है. अगर वेवलेंथ ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी कम है एनर्जी कम है देर आर लेस हार्मफुल. बट इफ वेवलेंथ इज ऑफ लेसर टाइप देन वी हैव दीज वेव्स आर वेरी हार्मफुल. इनमें यूवी रेज भी आ जाते हैं. सो वी हैव यूवी रेज. अब यूवी रेज क्या करते हैं? व्हेन दे कम वो ओजोन लेयर बनाने में उनकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है. द एनर्जी गेट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन. ओजोन बनाने में भी और ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में भी दोनों टाइम पे यूवी की ज़रूरत पड़ती है. वी हैव यूज ऑफ यूवीज. सो सिंस यूवीज आर यूज्ड इन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो उसमें फिर वो ज़मीन पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि जब यूवी रेज यहीं पे काम आ जाते हैं सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देम टू कम टुवर्ड्स अर्थ. जब यूवी रेज अर्थ पे नहीं आते हैं उसे क्या होता है, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है. बिकॉज इन केस यूवी रेज कम टू अर्थ वी विल बी हैविंग अ स्किन कैंसर, लॉस ऑफ आई साइट में प्रॉब्लम. तो जो हमारा रेटिनल पिगमेंट होता है आई का इट इज़ वेरी सेंसिटिव. अगर यूवी रेज हमारे आँख पे पड़ता है इट विल कॉज अ ब्लाइंडनेस और स्किन कैंसर्स. बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं यूवी रेज से, जैसे अपने म्यूटेशन पड़ा होगा अगर स्किन पे पड़ते हैं तो नंबर ऑफ थिंग्स विल हैपन टू डीएनए मॉलिक्यूल, इट विल रैप्चर, म्यूटेशंस विल कम, द म्यूटेशन लोड विल इंक्रीज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए विल फॉर्म. फाइनली जेनेटिक मेकअप में काफ़ी सारे चेंज हो सकते हैं. तो दिस इज़ अ हार्मफुल. देन वी हैव इफेक्ट ऑन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो प्लांट इनमें सबसे ज़्यादा इन पे असर पड़ेगा. इनमें भी फोटोसिंथेसिस, इनके जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है प्लांट्स में, या हम अगर बात करें ट्रांसपिरेशन की, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग, इन सब पे असर पड़ेगा. तो फाइनली क्रॉप प्रोडक्शन या बहुत सारे जो प्लांट्स के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं, वुड प्लांट्स होते हैं, एनर्जी प्लांट्स होते हैं, वो उसमें काफ़ी असर पड़ेगा. तो यू विल बी लूजिंग दीज प्लांट्स. देन एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले जो ओशियंस है, बहुत सारे फाइटोप्लांक्टन, जूप्लांक्टन, बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो काम करना छोड़ देंगे. तो बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ वर्क बाई फाइटोप्लांक्टनस, जो कार्बन सिक्वेस्टरिंग, जो कार्बन का जो एक सिंक था ओसिन, वो फिर सिंक नहीं रहेगा. तो इससे क्या होगा, ग्लोबल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा. देन इट विल लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, फाइनली टू ग्लोबल वार्मिंग, फाइनली सी लेवल चेंजेस. तो बहुत सारे ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसेसेस आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड प्रोसेसेस जो होते हैं, इसे पूरे ग्लोब में बहुत सारा फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक फंक्शन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं. तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्वाटिक या ओशियन
small plant, zooplankton, phytoplankton is, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिंक इज ओसिनस, तो उनका फिर वो जो इनकी एक्टिविटी है वो नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, फाइनली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इसे हमें पता चलता है ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेकिन बदकिस्मती के बाद फाइनली क्या हुआ, ये देखा गया है इट वॉज हियर 1974, दो साइंटिस्ट्स, टू साइंटिस्ट्स, टू यूएस साइंटिस्ट्स, उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा कंसंट्रेशन था ओजोन का, अगर हम बात करें 1950 से लेके अप टू 1980, इस टाइम की तो 30 इयर्स में क्या हुआ, ओजोन लेयर जो है इसमें इन्होंने देखा है देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फ्रॉम अबाउट 360 डीयूज टू 300 डीयू, ठीक है, या 334 टू 300. तो इनको लगा कि भाई ये जो ओजोन लेयर है इसमें क्यों चेंजेस आ गए हैं. दूसरी तरफ इन्होंने एक और दिमाग लगाया दूसरे साइड में कि हमारे जो मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो फाइनली हमें क्लोरीन देते हैं, क्लोरीन आइटम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स लाइक N2 बाकी वगैरह, खासकर इनके इनका ध्यान जो इसमें चला गया है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एरोसॉल रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज वगैरह होम्स से चले जाते हैं, या इंडस्ट्री से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो चले जाते हैं ये कहाँ चले जाते हैं. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर साइंटिस्ट्स, क्योंकि हर चीज़ का एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है. तो CFC का सोर्स तो पता है कि एरोसोल से, रेफ्रिजरेशन से आ जाता है, फाइनली इनका सिंक कहाँ है. जब उन्होंने देखा कि CFC जो यहाँ एटमोसफेयर में चला जाता है ये तो कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन इसका कोई डिफाइनड सोर्स नहीं था ज़मीन पे. तो इन्होंने रिसर्च कर ली कि CFC कहाँ चला गया. जाते 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 एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी होगी कि CFC हवा में चले जाते हैं, दे मूव टू स्ट्रेटोस्फेयर, दे कंबाइन विद ओजोन, डिस्ट्रॉय ओजोन एंड आर यूज्ड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लाइक यूवी रेज. तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ सिंक ऑफ CFC, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जिसके लिए फिर इनको नोबल इनाम जो होता है, नोबल प्राइज, वो भी प्राप्त हुआ इनको एक और साइंटिस्ट के साथ. तो दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. द टू साइंटिस्ट US साइंटिस्ट वायर, सो दीज आर US बेस्ड साइंटिस्ट रिसर्चर्स, इन फैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च. तो इन्होंने क्या देखा, दीज वायर मारियो मोलिना एंड शेयरवुड राउलैंड, सो दीज टू साइंटिस्ट डिस्कवर दैट CFC कहाँ चले जाते हैं, दे डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर. नाउ दिस वॉज द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर साइंटिफिक वर्ल्ड, फॉर ऑल ऑफ अस, एंड अ सैडनिंग न्यूज. तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक मैकेनिज्म बताया जिसमें ये CFCs पार्ट लेते हैं. तो इन्होंने कहा सपोज दिस ओजोन, ठीक है, प्लस एक्स मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ UV इट गिव्स XO प्लस O, वन मोर मॉलिक्यूल O2 प्लस UV कैन गिव अस O प्लस O. नाउ दिस X0 प्लस this one of O gives X plus O2, so this final single meaning X तो वापस आया but ozone को क्या हुआ, destruction, there is no ozone, there is oxygen molecule. तो it was like a problem. तो इन्होंने देखा कि this X is CFC और बहुत कुछ और substances. This was the biggest path breaking achievement. तो बहुत ही इससे चेंजेस आ गए फिर साइंटिफिक
थिंकिंग में, साइंटिफिक रिसर्चेज में, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद इन ईयर 1985 एक और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, फॉरमैन एंड कोलीग्स, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने बताया इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ 1985 कि जो अंटार्कटिका है, जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, सपोज जैसे अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर उन्होंने देखा देर इज अ बिग होल इन ओजोन लेयर। सो दे डिस्कवर बिग जोन इन ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका। दे वर एक्चुअली ब्रिटिश साइंटिस्ट्स वर्किंग इन वन ऑफ द एंटार्कटिक सर्वेज, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा होल है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में, वहाँ पे ओजोन नहीं है या बहुत ही कम है या बिल्कुल ही नहीं है, एंड दैट होल इज लाइक द साइज ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, इज कंबाइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया एंड अलास्का प्लस कैनेडा, इतना बड़ा साइज ओजोन में देखा गया है। एंड इट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस एंटार्कटिक, ही वॉज ऑल्सो फाउंड समवेयर इन आर्टिक पोर्शन ऑल्सो। अब पहले ये डिस्कवरी जब हुई तो पता लगा शायद इन्होंने इससे पहले भी एक सैटेलाइट डाटा आया था, उसने भी ओजोन लिए होल की बात कही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम एविडेंसेस वो रिजेक्ट किया गया। इसके बाद जब इन्होंने बताया तो ऑल साइंटिस्ट उनका जो अटेंशन हुआ इस बात में हुआ क्या ये वाकई तो होल हुआ है, देन नंबर ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स प्लस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट रिएक्शंस बहुत सारे साइंटिस्ट ने करी, फाइनली देखा गया बिल्कुल इट्स लाइक कि यहाँ पे एक होल है। तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट क्ल्यू फॉर मैन टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल बी मोर एंड एग्रीवेटेड वन। तो फाइनली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक प्रेशर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन कैनेडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, इसमें क्या बताया गया, वी वांट, इसमें बताया गया देयर शुड बी 80% फ्रीज ऑन ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस लाइक सीएफसीज। देयर शुड बी 80% फ्रीज ऑन ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस टिल इन ईयर 1994 टू दैट ऑफ 1986। तो ये बताया गया कि 94 तक, ये 87 की बात है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें बताया गया 94 तक हमें 80% फ्रीज चाहिए ऑन ओडीएस ताकि हमें 86 का ओजोन कंसेंट्रेशन मिले। फिर जब इसमें देखा गया देन इट वेंट थ्रू इन 90s में भी 90 या 92 की बात करें तो इन ईयर 90 इसमें फिर एक और बात कही गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको 10 साल की छूट दी जा सकती है, वो 10 साल में भी एक टारगेट हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो फाइनली 90 में देयर इज़ अ लंदन अमेंडमेंट, देन 92 कोपेनहेगन, डेनमार्क कोपेनहेगन अमेंडमेंट कि इसमें हमें देखना है कि कुछ और चेंज तो नहीं करना है। देन इट वॉज ईयर 2002 इसमें जब चेक किया गया कि क्या वाकई तौर 87 का जो प्रोटोकॉल है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, इट वॉज ए गुड रिजल्ट, इट वॉज फाउंड कि जो कंसंट्रेशन ओजोन की है दैट वेंट बैक लाइक दैट ऑफ 88। तो 1988 की जो ओजोन कंसंट्रेशन थी वापस उसी पोजीशन पे आ गई। इन 92
2002 में चेक किया गया, इट वॉज फाउंड इट इज इन 2002 ओजोन लेयर कंसंट्रेशन लाइक दैट ऑफ 88, देयर इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन फिर फाइनली 2003 और 5 में इसमें फिर से देखा गया कि ये बढ़ रहा है, देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और होल बढ़ रहा है, तो फिर से कंसर्न इसमें आ गए। ये जो ओजोन लेयर की हम 2002 में देखा गया जो होल था एंटार्क्टिका ऊपर वो कम हुआ है, उसमें दो होल्स एक्चुअली बन गए छोटे छोटे, जो बड़ा होल था वो कम हुआ है। दिस वॉज फाउंड इन 2002, इसका मतलब है जो प्रोटोकॉल है उसका असर हुआ है, एंड दैट वेंट वेरी गुड। तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट्स। तो ओजोन लेयर को आपने देखा है कैसे बनाते हैं, इसमें ये एटमॉस्फेयर में कैसे बनता है। तो अगर ओजोन नहीं रहेगा फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स घट सकती हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट ओजोन लेयर, इट इज डिप्लीशन, ओजोन होल फॉर्मेशन, सबस्टेंस इन्वॉल्वड, और कैसे सारा कुछ सिस्टम अमल में आया है। नाउ देर आर मेनी अदर आस्पेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, इसमें और बहुत सारी क्या क्या, खासकर जो इम्पॉर्टेंट समिट्स हो जाते हैं इसमें, इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, वो हमें देखने हैं। बट दिस ब्रीफ वीडियो आई सपोज एंड आई होप कि जो एग्ज़ाम के कंसर्न से क्वेश्चन आने हैं इसमें से आ जाएंगे। इसमें कहीं जाके एक और बड़ा सा वीडियो भी बन जाएगा आगे। बट आई होप दैट क्या आपने समझा होगा ओजोन लेयर के बारे में, एंड आई ऑल्सो होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।